गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है। आज 30 मार्च है और गर्मियां भी काफ़ी शदीद आ चुकी हैं। तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा ना पेपर वगैरह देके फ्री हो गए हैं तो अपना स्विमिंग पूल का सेटअप खोल लेते हैं। बच्चे भी आए हुए हैं घर तो वो भी इंजॉय वगैरह करेंगे। तो ये ना वो स्विमिंग पूल है इंटेक्स का, पिछले साल ये ना हमने अगस्त में लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वही है स्विमिंग पूल जिसमें मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था, S20 Ultra। मैंने उसमें पानी में वीडियोस बनाई थी तो अब तो मैं गलती नहीं करूँगा क्योंकि लोग कहते हैं कि वाटरप्रूफ है लेकिन होता नहीं है। ये बस कवर वगैरह उसका अगर मेरे पास है वैसे वाटरप्रूफ केस वो भी है तो उसके अंदर वीडियो बना लूँगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिटेल्स वगैरह कि कितने फीट का है ये और कितना गहरा है, सारा कुछ ना मैं आपको दिखाता हूँ। 3.7 मीटर इसकी हाइट लिखी हुई है। ये इसका बॉक्स है, वैसे तो छोटा सा बॉक्स है लेकिन जब इसमें से निकालते हैं ना बहुत बड़ा हो जाता है। और 23 इंच इसकी हाइट है, 3.7 मीटर या 23 इंच। और ये 12x30 वाला है और ये हमें कॉस्ट किया था पिछले साल अगस्त में 16,000 का। अब पता नहीं ये कितने का हो गया होगा। बाकी इधर से भी आपको दिखा देते हैं। ये है मेरे पास का पंप, एयर पंप, और सिर्फ ऊपर ऊपर जो इसका होता है ना उसमें हवा भरनी होती है। और अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा तो आपको फिर समझ आएगी, इस तरह नहीं आएगी आपको। चलें इसको खोलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं आप तकरीबन ये आधे टेरेस पर आ रहा है और यहाँ इसके सिर्फ ये ऊपर ऊपर जो है ना इसमें हवा भरेगी, फिर जब इसमें हम पानी भरेंगे ना तो ये खुद ही ऊपर को आ जाएगा। इतना ये देखेंगे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और तैर लेता है बंदा इसमें आराम से, यानी खड़ा नहीं हो सकता, तकरीबन घुटनों से थोड़ा ऊपर आता है पानी, बाकी वैसे लेट के तैर सकता है बंदा। तो गंदा हुआ है, काफ़ी मैला हुआ है क्योंकि पिछले साल यूज़ किया था ना ये गर्मियों में, लेकिन तब मैं व्लॉग बना नहीं सका था इसका सही। लेकिन अब इंशाल्लाह ज़रूर ये बना के आपको दिखाऊँगा सारा सेटअप करके। अभी थोड़ा बहुत इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर बाद में इसमें पानी वगैरह भरेंगे। इसमें ना तकरीबन आधा दिन लग जाता है पानी फुल भरने में। चलें इसे पहले साफ़ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं इसमें पानी भर के। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, हवा भर लिया मैंने पंप से और सांस चढ़ गई है काफ़ी। जो है ना 5-10 मिनट लगे हैं इसे हवा भरने में। ये पूरा जो है ना ये अब ऊपर को आ जाएगा और इतना ही ऊपर हो जाएगा जब इसमें पानी भरेंगे। तो अब पानी भरना स्टार्ट करते हैं, फिर कल सुबह तक ये भरेगा, यानी कि अभी बंद कर देंगे हम 3-4 घंटे बाद थोड़ा सा भर के, फिर बाकी सुबह खोल दूंगा मैं नलका। तो 10-11 बजे तक ये भर जाएगा, फिर इसे तकरीबन 8-10 घंटे लगते हैं पूरा भरने में नॉर्मल स्पीड पे पानी की। पानी भरने के लिए छोड़ दिया अभी, और एक देसी जुगाड़ हमने लगाया हुआ है। ये ना कपड़ा हमने इधर बांधा हुआ है ताकि कोई इसमें गंदबला ना स्विमिंग पूल के अंदर आ सके, तो इससे साफ रहेगा। फिर बाद में थोड़ी देर बाद कपड़े को उतार के वो निकालने है गंदबला। गाइस अभी तकरीबन 2 घंटे से हो गए हैं, 2 घंटे से ऊपर, और पानी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि अभी कितना भरा है इसमें। ये देख सकते हैं आप, इतना 1 इंच तक भरा है पानी, 1 इंच तक 2 घंटे में। तो अभी तकरीबन 1-2 घंटे इसमें और भरने देंगे पानी, फिर जब ये थोड़ा सा ऊपर और आ जाएगा फिर सुबह इसको मैं स्टार्ट करूँगा फिर दोबारा पानी भरना, और फिर तकरीबन 11-12 बजे तक हो जाएगा ये फुल। ये देखें इतना ये ऊपर जाएगा अभी, यहाँ से 30 इंच लिखा हुआ है उस पर, तो वो आप हिसाब लगा लें 2.5 फीट मेरे ख्याल से बनते हैं। तो अभी इसको छोड़ देते हैं हम तकरीबन 1-2 घंटा और फिर कल आपसे मिलते हैं।
और सुबह फिर जब मैं खोलूँगा पानी तो आपको दिखाऊँगा फिर कि कितना इसमें भरता है और सारा कुछ। सामने हमने ये लगा दिया है, अभी ना हमने शेड नहीं लगाया ऊपर क्योंकि इधर शेड हम लगाते हैं अभी। एक्चुअली ना इतनी ज़्यादा भी गर्मियाँ नहीं आई, बस थोड़ी थोड़ी अभी आई हैं गर्मियाँ, तो मैंने कहा कि धूप में ना ज़रा थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर भी सही रहेगा सुबह सुबह। गाइस आज है सेकंड डे और पानी मैंने देखें रात को शाम को भरा था और अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया, थोड़ा सा भी यानी रहता है। एक दो घंटे जो है ना ये एक दो घंटे में फुल हो जाएगा ये, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ वाइड एंगल से। अभी मैं सो के उठा, फौरन मैंने ये खोल दिया पानी, मिट्टी अच्छा काफ़ी आ गई है, रात और रात ही क्योंकि वो एक तो शेड भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाएगा, इंजॉय भी हो जाएगा। चले मैं ज़रा इतने फ्रेश होके आता हूँ और ज़रा मुँह भी धो लूँ, फिर बाद में तब तक पानी इसका भर जाएगा और ज़्यादा, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस पानी जो है ना मैंने भर लिया काफ़ी इसमें और मैं बाहर चला गया था, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अभी तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें पानी काफ़ी भर गया है और अभी भी खोला हुआ है मैंने, अभी आके ना वो थोड़ी देर पहले बंद कर दिया था लेकिन अब फिर दोबारा खोल दिया, यानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाए फिर आपको सही इसका अंदाज़ा होगा। तो चले नहाते हैं, अब गर्मी बहुत है आज, बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 38-40 डिग्री हुआ है टेम्परेचर, तो अभी नहाते हैं फौरन और साथ ज़ियान को भी नहलाते हैं, मज़ा करते हैं। हाय ज़ियान, कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा आहिस्ता आहिस्ता से बैठो, आहिस्ता आहिस्ता से हाय बोलो उसमें, हाय। ये देखो कर रहा हूँ।
हेलो हाय तो खूब इंजॉय कर लिया और नहा लिया और इनका तो बस नहीं चल रहा है, इनका बस चले सारा दिन ही नहाए इसमें। खैर अभी आप बस ड्रोन शॉट्स इंजॉय करें कुछ, और तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई फरहान सिद्दीकी, अल्लाह हाफिज़।